तो दोस्तों फाइनली सामने एक साइन बोर्ड नज़र आ रहा है और NH 43 मैप में दिखा रहा है, हम चढ़ने वाले हैं। और ये NH 43 हमें मेनली लीड करेगा झांसी की तरफ। तो एक तरीके से गूगल ने रास्ता तो गलत नहीं बताया, बट जो जिस रूट से वो लेकर आया ना, तो ये रास्ता रात के समय बहुत डरा सकता है। और ये पन्ना दिखा रहा है राइट में, तो 110 किलोमीटर पे, तो ये वही पन्ना वाला रूट आ गया अपना जिससे हम आए थे। ये देखिए फाइनली हम आ गए हैं इस पे। तो ये असल में अगर हम इसी रूट पे पीछे सीधा जाएं तो ये कटनी में उस रूट पे ले जाएगा जहाँ से हम जिस समय हम आ रहे थे तब गए थे। तो क्योंकि वहाँ पे रास्ते में कोई कह भी रहा था कि ये कटनी को जा रहा रास्ता, तो ये थोड़ा सा हम रूट से भटके भी, बट वो मैप की वजह से अगर हम कटनी से ही सीधा इस वाले रूट को पकड़ते तो डायरेक्ट इसी रूट पे आते रहते। अब ये हम पन्ना के बीच में से होके और फिर निकलेंगे झांसी की तरफ। अभी हमें पेट्रोल पहले ही भरवा लेना चाहिए रास्ते में कहीं। और देखिए दूर दूर तक ऐसे जंगल और सुनसान रोड है फिलहाल, पर बहुत ही खूबसूरत है और एक तरीके से सेफ भी है क्योंकि ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, तो आप इजीली, आपको ज़्यादा यहाँ पे बहुत केयर करने की ज़रूरत नहीं है। एक कांस्टेंट स्पीड पे आप काफ़ी दूर तक चल सकते हैं यहाँ पे। तो फिलहाल हमें ज़रूरत है पेट्रोल की, और पेट्रोल जैसे कि पीछे गांव में पता चला था कि अराउंड 20 किलोमीटर दूर पड़ेगा पेट्रोल पम्प, तो इतना तो जहाँ तक दिख रहा है हमारे मीटर में पेट्रोल है अभी, बट उससे ज़्यादा दूर ना हो बिकॉज ऐसे सुनसान रूट पे अगर कहीं फंस गए तो फिर दिक्कत भी है। तो दोस्तों अभी मैं जिस लोकेशन पे हूँ, पन्ना से पीछे ही हूँ मैं, बट यहाँ पे बहुत ही सुंदर लोकेशन है ये, आप मेरे पीछे देख के अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। और यहाँ का सराउंडिंग मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए एक तरफ ये जंगल है, इसमें बड़े बड़े लंगूर हैं, वो देखिए वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है कूदता हुआ ब्लैक लंगूर, तो बहुत सारे लंगूर हैं यहाँ पे और डॉग्स, और ये यहाँ के लोकल तो हैं जो पशु वगैरह। और यहीं दूसरी तरफ ये खूबसूरत यहाँ पे ये गेहूं के खेत हैं, पीछे पहाड़ हैं और ऊपर काफ़ी बड़े बड़े लंगूर हैं ब्लैक कलर के। और वहाँ एक पेड़ था बहुत खूबसूरत, यहाँ ढाबे से अभी हमने पानी भरा था, तो वो पेड़ मैं आपको दिखाता हूँ, मैं भी पास जाके देखता हूँ। हालांकि लंगूर हैं बहुत सारे, बट वो पेड़ काफ़ी प्राचीन लग रहा है, मतलब उसकी जो जटाएँ हैं ना, ये वाला पेड़ देखिए इस पर खूब सारे लंगूर हैं ऊपर, इनको देख के और ऊपर भाग जा रहे हैं। और देखो वो गए उस पर कूदते हुए, वो कूद रहा है ऊपर। ये पेड़ देखो, इसकी जटाएं देखो, कमाल है, इतना प्राचीन पेड़ हुआ है। कमाल देखिए, मैं वाइड एंगल पे ले रहा हूँ, कैमरे के अंदर भी पूरा नहीं आ रहा, इतना बड़ा पेड़ है, इसकी जटाएं, वाह कमाल। ऊपर से मंकी भी डरा रहे हैं मेरे को दूर भगने के लिए। सराउंडिंग देखिए, वापस अपने नैनो की तरफ वेट कर रही है आगे बढ़ने के लिए। ऐसे नज़ारे तो पूरे रास्ते आते रहेंगे, बट यहाँ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगा तो मुझे लगा कि आपको दिखाना चाहिए। आगे पन्ना जंगल भी बहुत खूबसूरत है। तो ये यहाँ एक ढाबा है, लॉन्ग रूट पे यही मज़ा है। आरती पानी दिखा रही है, कह रही फिर से हाफ हो गया, भर के लो फिर दोबारा। हाँ ठीक है ना, तो पी के फिर से भर लेते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं पन्ना टाइगर रिजर्व के फॉरेस्ट का जो जोन है उसमें आ चुके हैं, और यहाँ जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं कि ड्राइव स्लो टाइगर रिजर्व। अभी उतना डीपली मेन पन्ना रिजर्व में नहीं आए हैं, बाकी ये स्टार्ट हो चुका है जोन, और यहाँ पे बाड़ी बनी हुई है साइड पे सो दैट के वन्य प्राणी जो है क्रॉस ना करें उसको, बट करते भी होंगे तो इसलिए यहाँ बोर्ड लगे हुए हैं कि गो स्लो करके।
है, ऐसे वीरान है एरिया। हालांकि बीच में गांव भी है, यहाँ पे गांव भी पड़ते हैं और लोग रहते भी हैं। तो यहाँ की ऑफिशियल स्पीड तो देखिए 20 किलोमीटर है गति सीमा, पर आप देख सकते हैं लोग कितनी फास्ट यहाँ से गाड़ी ले जाते हैं और फिर उनकी चपेट में जानवर आ जाते हैं। वैसे जब हम आए थे अगस्त में, तब यहाँ पे जो हरियाली थी उन दिनों में ना, वो अलग ही थी, एकदम बारिश में भीगा हुआ था सब। अभी भी काफ़ी सुंदर है, पर अब क्योंकि पतझड़ का मौसम है तो थोड़ा विरला विरला दिख रहा है। और वैसे अभी हम हैं भी थोड़ा पीछे है ऑफिशियली, तो यहाँ पे जो बोर्ड लगे हुए उसमें अभी यहाँ से 15-20 किलोमीटर आगे दिखा रहा है मेन जंगल। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ये थोड़ा खुला सा ग्राउंड था, तो यहाँ पे ये एक नील गाय और हिरन जैसे दिख रहे हैं, शायद नील गाय ही है। तो थोड़ा दूर है तो उतना क्लियर इसमें आ नहीं रहा। देखिए अभी हम आगे की तरफ जा रहे हैं जंगल में, ये थोड़ा सा इधर खुला एरिया था तो इधर ये घूम रहे हैं। देखो दोस्तों सामने का नज़ारा, पिछली बार हमने यहाँ पे रेस्ट लिया था इन ढाबों पे, और इसके बाद एकदम से तेज बारिश शुरू हो गई थी, अंधेरा हो गया था। तो अब जो मेन जंगल है ना वो यहाँ से आगे है, जो टूरिस्ट के लिए रहता है खुला। तो पहले ये थोड़ा गांव आएगा, उसके बाद एकदम डीप जंगल होता चला जाएगा और पहाड़ियाँ शुरू हो जाएंगी, जो हमने अपने पिछले पन्ना टाइगर रिजर्व वाले में भी जहाँ का हमने आपको दृश्य दिखाया था। तो ये पूरा सिटी टाइप है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी अर्निंग भी होती है ना इन रिसोर्सेज से, तो थोड़ा अच्छा बनाया हुआ है, टूरिस्ट वगैरह भी आते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों फिर से हम हैं पन्ना के डीप जंगलों के अंदर, जो मेन रिजर्व एरिया है, जहाँ पे लास्ट टाइम आपको बारिश के दौरान हम लेके आए थे। और जंगल के साथ साथ ये हाईवे भी है, तो यहाँ पे ट्रक्स काफी हैं, और पहाड़ी भी है तो इसलिए स्लो है ट्रैफिक, और ठीक भी है, स्लो ही होना चाहिए ऐसे एरिया में। यहाँ आके हमें याद आ गया पिछली बार बारिश स्टार्ट हो गई थी और काफ़ी तेज़ बारिश हो गई थी, यहाँ से आगे फिर हमारा रास्ता काफ़ी मुश्किल हो गया था। आज तो अच्छी खिली हुई धूप है, मंकीज बैठे हुए हैं रोड साइड पे। आगे ये ट्रक है, धीरे धीरे चल रहा है, उसी के पीछे पीछे हम भी चल रहे हैं, फॉरेस्ट का नज़ारा ले रहे हैं।
दोस्तों ये आ गई है केन नदी। लास्ट टाइम काफ़ी तेज बारिश यहीं पे स्टार्ट हुई थी। ये देखिए बहुत खूबसूरत नदी है। पिछली बार इस साइड का व्यू आपको दिखाया था, आज इस साइड का देखिए। और दोस्तों सूरज भी ढलता जा रहा है। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग खत्म करते हैं। आज हम झांसी तक पहुंचेंगे, वहीं स्टे करेंगे और उससे आगे रुके अगर मतलब ग्वालियर तक का प्लान पड़ा तो वो भी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चल जाएगा। नहीं तो आज यहाँ इस खूबसूरत संध्या के साथ खत्म करते हैं ब्लॉग को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय। दोस्तों NH 39 पे ये देखिए, मतलब पूरे रास्ते तो नहीं है लाइटिंग, बट हाँ काफ़ी कम गैप के बाद ऐसे जब थोड़ा सा फ्लाईओवर आता है तो ऐसे फुल्ली बढ़िया ल्यूमिनस एरिया आ जाता है और पूरी लाइटिंग आ जाती है। तो काफ़ी इजी है इसमें चलाना। बस रिस्क एक ही है जो इसमें रॉन्ग साइड लोग आ रहे होते हैं ना अचानक से, वो भी लाइट वगैरह बंद करके इस समय पे, तो इसलिए यहाँ पे केयरफुली चलाना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज बहुत बढ़िया से मेंटेन हाईवे है ये, और आगरा एक्सप्रेसवे यमुना एक्सप्रेसवे लेवल का है एकदम।